सैदपुर तहसील अंतर्गत पोखरा मोड़ पर विधानसभा सैदपुर के पश्चिम मंडल में मंगलवार को भाजपा का चुनावी संपर्क कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के गाजीपुर जनपद के प्रथम जिलाध्यक्ष यशवीर सिंह ने किया। उन्होंने मौके पर कहा कि कार्यकर्ता सहयोग करें और क्षेत्र की जनता को भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करें। मौके पर सैदपुर विधायक की पत्नी अक्षर फाउंडेशन की अध्यक्ष रीना पासी ने कहा कि हम कहीं भी प्रचार करने जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी को रोककर बैनर व पोस्टर फाड़ दिए जा रहे हैं या गाड़ी की कांच फोड़े जा रहे हैं। इससे लगता है कि विपक्षी पार्टी में हारने की लक्ष्य पहले से ही दिख रही है, इसलिए ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है। विधानसभा प्रभारी सुनील जैन, मंडल प्रभारी ब्रजनंदन सिंह, मंडल अध्यक्ष श्याम कुमार मौर्य, महामंत्री अचल सिंह, तरुण सिंह, महिला मोर्चा पश्चिम मंडल अध्यक्ष सरस्वती पाठक, महिला मोर्चा महामंत्री रेखा चौहान, नीलम सिंह, राधा विनोद तिवारी, संजीव पांडे, युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष सिंह, माधवेंद्र सिंह, शिवम संतोष भारद्वाज आदि लोग उपस्थित रहे। अब चुनाव कार्यालय से ही सभी गतिविधियां संचालित होती रहेंगी। देखिए, जब चुनाव होता है, चुनाव छोटा हो या बड़ा, जो भी संगठन के लोग हैं वो चुनाव में एक जगह बैठ करके उस चुनाव की रणनीति पर चर्चा करना, रणनीति बनाना, फिर उसको क्रियान्वित करना, उसके लिए कहीं ना कहीं किसी जगह की आवश्यकता है। वही हम कार्यालय का है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती भी है कि कार्यकर्ता कार्यालय कोष, कार्यकर्ता हमारे कहीं एक जगह एकत्रित हों, उसके लिए कार्यालय की आवश्यकता पड़ती है। उसी के निमित्त यह सैदपुर पश्चिमी मंडल का चुनावी कार्यालय है। जो भी अब गतिविधियाँ आगे होंगी, जो भी कार्यक्रम होंगे, वह यहीं से सैदपुर पश्चिमी मंडल के सभी अपने पदाधिकारी, इस क्षेत्र की आने वाली जनता, इस मंडल में जो जो भी गांव आते हैं, वहाँ के लोगों के सुख दुख की चिंता करना, वहाँ की सभी बातों को ध्यान रखने के केंद्रित करने के लिए एक कार्यालय सैदपुर पश्चिमी का बना। गाँव सौना का रहने वाला है और सैदपुर ब्लॉक का पहला बीजेपी अध्यक्ष। जब भाजपा बनी तो पहला जिला अध्यक्ष हूँ और जनसंघ का आखिरी महामंत्री था जिले का। आपातकाल में एक साल जेल में रहने के बाद, उस समय तो हम लोग अपने को क्रांतिकारी समझते थे। जब भी हम लोग कचहरी में जाते थे तो एक ही नारा लगता था, सर भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना पाँच गए एक आते हुए जाते थे। और हम लोग जानते थे कि बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, लेकिन वो रूप नहीं आया। और आज बहुत दिन के बाद भाजपा की सरकार बनी है और हम समझते हैं कि जो भावनाएं हम लोगों के मन में थी, समाज की सेवा का, देश को आगे बढ़ाने का, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का, अब पूरा वक्त आया है। और मैं जितने भी लोग यहाँ समाज में आए हुए हैं, सबसे निवेदन है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता को सब लोग मिलके, और ये हमारा एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए और सबको जाके वोट देना चाहिए। और जो जहाँ भी हैं कार्यकर्ता हमारे, जो भी स्कीमें आई हैं सरकार की, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जागरूक होकर उनको देखते रहिए। उनको सब मिलता है, राशन मिलता है, सुविधाएँ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, और नहीं तो आप लोग सीधे सीधे कलेक्टर के पास जाइए, और अगर कोई क्रिमिनल कोई समस्या है तो आप सीधे एसपी के पास जाइए और ज़रूर कहिए। यही हमारा काम है, आप अपना काम भी करिए। सब कुछ जो भी मोदी नहीं करेंगे, हम लोगों को करना है, जमाने सारी स्कीमें लागू करना, जमीन पर उसको देखना, उसका सुपरविजन करना हमारा काम है, आप सब लोग करिए, यही मेरा निवेदन है। महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष, सेक्टर के अमवारा सेक्टर की प्रभारी की, और चुनावी महिला मोर्चा की तरफ से मैं सैदपुर विधानसभा की प्रभारी बनाई गई। क्या लगता है मैडम कि इस समय यहाँ पे क्या उम्मीद बन सकती है आपकी? अच्छी है, हमारे सुभाष पासी निकलेंगे। क्या ऐसे विधायक होना चाहिए जी? अभी आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो आपको क्या लगता है इस चीज़ से कि इसमें महिला कितना संतुष्ट है? बहुत ही संतुष्ट है इससे, यहाँ की कार्यालय खुला है, इस रूप से हमारी यहाँ की महिलाएं बहुत ही संतुष्ट हैं, और योगी जी से भी बहुत संतुष्ट हैं। रीना पासी जी से भी मैं गांव-गांव में घूम रही हूँ, जो उनका समाज सेवा है उनसे भी बहुत खुश हूँ।
मैडम परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम सरस्वती पाठक। क्या कहेंगे मैडम आज कार्यालय खुलने से कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या कहेंगे उसके लिए? महिलाओं को बहुत खुशी है, कार्यकर्ता लोग भी आए हैं और लोग यहाँ से पूजा कर प्राप्त होगी और यहाँ से भाई जाएंगे अपना जो जनजन से संपर्क करेंगे उनके लिए निवेदन। मैं सुनील जैन हूँ, प्रयागराज का पूर्व महानगर अध्यक्ष। वर्तमान में मैं एनजीओ प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक हूँ और पार्टी ने मुझे यहाँ का प्रभारी बना करके सैदपुर विधानसभा में भेजा है, इसलिए 3 महीने से मैं यहाँ पर आप सबके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। तो ये जो सर पश्चिमी मंडल से जो ये ऑफिस खोला गया है कार्यालय यहाँ बीजेपी का, इससे क्या लगता है इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कार्यकर्ता हमारा बूथ स्तर पर समर्पित होकर के पार्टी की नीतियों को और जनता की सेवा का काम करता रहा है पिछले 5 सालों से। यह जो कार्यालय हमारा है इस चुनाव का केंद्र बिंदु बनेगा और यहाँ से सभी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्राप्त होगी और सक्रियता के साथ वो बूथों पर जाकर, हमने त्रिदेव की रचना की है, हमारा बूथ प्रभारी है, हमारे BLA2 है और हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हम पन्ना प्रमुख बना करके एक एक मतदाता को जागरूक करके आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी, इनकी जो भी नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, उनको उत्साहित करेंगे कि 7 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान, इस संदेश के साथ ये कार्यालय हमारा ऊर्जावान बनेगा सभी कार्यकर्ताओं के लिए। इसी के लिए इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। मैं इस कार्यालय में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ और उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये सुभाष पासी जी की जीत का केंद्र बने, इसी आशाओं के साथ इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। श्याम भवन चौहान, CN न्यूज, गाजीपुर। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।